नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में आज हम सबसे पहले करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, उनको हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। ए जो है, ठीक है, देखिए ए की पावर यहाँ पी है, बीच में यहाँ पॉइंट है, फिर ए की पावर क्यू है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि ए की पावर पी गुणा हो रही है ए की पावर क्यू से। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो नंबर सेम है लेकिन उनकी पावर है अलग अलग, ठीक है, उनकी पावर है अलग अलग, तो आप उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दो और उनकी पावर आप प्लस कर दो, यानी अपने नंबर लिख दिया, उनकी पावर आप क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो यानी कि अगर दो नंबर गुणा हो रहे हैं, वो सेम हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर अलग अलग है, तो उस नंबर को आप वैसे लिख दो, उनकी पावर जो है उनको आप प्लस कर दो, ठीक है। सबसे पहला ये मारा था, सबसे पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ए की पावर पी, फिर उसकी भी पावर है वो है क्यू, तो यानी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप समझते हैं, देखिए दो की पावर है दो, फिर उसकी भी पावर है तीन, तो सिर्फ क्या होगा, पावर से पावर की गुणा हो जाएगी, यानी आ जाएगा तीन दूनी छः, ठीक है, नंबर हमारा वैसे ही रहेगा। तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ जाते हैं। अब देखिए ए की पावर पी भाग हो रही है ए की पावर क्यू से, तो इसके कहने मतलब है अगर दो नंबर हैं सेम और वो भाग हो रहे हैं, उनकी पावर अलग अलग है, तो आठ नंबर वैसे ही लिखो और उनकी पावर को आप माइनस कर दो, तो यानी आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। यानी कि अगर दो नंबर हैं सेम वो भाग हो रहे हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो उनकी पावर माइनस होगी, बस नंबर हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें देखो, मैं चाहूँ इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है। अब बच्चा यहीं पे वो हो जाता कन्फ्यूज़ कि अच्छा मैं क्या करूँ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों ही केस में आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। बस जो लिखने का तरीका है बस वो थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे जो 4 है, ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है, हम वो समझते हैं। तो वो है ए की पावर पी और बी की पावर पी ए बी, ठीक है, यानी दो नंबर हैं, ठीक है, अलग अलग, उनकी पावर लेकिन सेम, दो नंबर हैं अलग अलग लेकिन उनकी पावर सेम है, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और पावर वही रहेगी, ठीक है। जिस पावर यहाँ पे 2 थी ना, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिख दिया, बस जो नंबर थे हमने उनकी गुणा कर दी बस। तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए, यस सर। तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1.2, और इसमें हमसे बोला क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 64 की पावर अगर 1.2 है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे यहीं पर वो कंफ्यूज जाएगा कि 64 की पावर 1.2 क्या करें,
तो बच्चों देखो, हमें पावर पे फोकस नहीं करना, हमें पावर पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना नंबर पे। क्या है 64? 64 का आप एलसीएम निकाल लो, 2 3 6, 2 3 4, 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 8, 2 3 4, 2 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दो दो मिल रहे हैं, ठीक है, कितनी बार मिले हैं दो मुझे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखूँगा मैं 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/2, यानी मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर ना पावर के ऊपर पावर है तो वो क्या हो गई, वो गुणा हो गई, तो यानी कि हम लिखेंगे 2 6 × 1/2। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, 6 × 1/2 है तो क्या होगा, तो पहले तो हम नीचे 1 ले लो, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप सिंपल आप सीधा सीधा गुणा कर दो, यानी कि 6 × 6, 2 1 2, मतलब 1 की टेबल अगर 2 टाइम पढ़ेंगे 2 आ गए, ये सिंपल है, ठीक है, ये कर दिया। फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे काट दो, 2 1 2, 2 3 6, जिन बच्चों को काटने में दिक्कत है वो वैसे लिख दो, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 की पावर 3। अगर आप 6/2 लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि टीचर आपको मार्क्स ही ना दे, उसका रीज़न ये क्योंकि इसने सॉल्व करने के लिए बोला है इसने, तो अगर आपको काटने में दिक्कत है तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, देखिए यहाँ पे ये 6 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे काट सकता था, तो 2 1 2, 2 3 6, तो 3 1 3 आ जाता। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8, कैसे, देखो 2 की पावर 3 मतलब कि 2 × 2 × 2, यानी 2 2 4, 4 2 8, तो उसका आंसर क्या आ गया, 8। तो हमें जो इसकी पावर है उसे नहीं डरना, हमें नंबर पे फोकस करना है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर यहाँ पर है 1/5, ठीक है, तो फिर से हमें नंबर से नहीं डरना, हमें सॉरी जो पावर है हमें उससे नहीं डरना है, हमें नंबर पे फोकस करना है। तो 32 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 2 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
दो दिन चार, दो एकम दो। अब देखिए यहाँ पे टू कितने, फाइव है ना, तो यहाँ लिख देंगे टू की पावर फाइव और उसकी पावर वन अपॉइंट फाइव। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ। देखो टू की मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी फाइव की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन पॉइंट फाइव से, ठीक है, तो यानी फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, तो यानी वन बचा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा वन। तो चाहे वन लिखो चाहे ना लिखो, आपका आंसर टू आएगा। तो ये वाला थोड़ा ईजी था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 125 और उसकी पावर है 1/3, ये है। तो फिर से अगेन हमें जो पावर है उस पर फोकस नहीं करना, हमें नंबर पर फोकस करना है। तो 125 को, अब 125 का हम एलसीएम निकालेंगे, 125 सॉरी 5 से, ये 5 से पूरा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 टू ज़ा 10 हो गया, और 5 वन ज़ा 25, फिर 5 फाइव ज़ा 25, फिर 5 वन ज़ा 5, ठीक है। तो 5 की पावर आ गई 3 और उसकी पावर कितनी आ गई 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओनली 5, ठीक है ना। देखो 3 की मल्टीप्लाई अगर 1/3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप पहले क्या करो, नीचे 1 ले लो और 3 वन ज़ा 3, फिर 1 की टेबल 3 तक पढ़ोगे कितना आएगा 3, यानी 3 वन ज़ा 3 आ गया, काटोगे तो क्या 1 आएगा। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया डन।
अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में भी हमारा यही है, तो सेकंड का यहाँ पे कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 9 की पावर दे रखी है मैं 3/2, तो अगेन हमें पावर पे फोकस नहीं करना, हमें नंबर फोकस करना है। अब 3 का अगर हम सॉरी अगर हम 9 का निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप पहले एलसीएम निकालना सीखिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाओगे। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, यानी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 की पावर कितनी होगी 3, 3 की पावर 3 है तो मतलब कितना आएगा 27, क्यों, ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब सेकंड का है सेकंड क्वेश्चन, 32 की पावर है यहाँ पर 2/5, ठीक है। तो 32 का अब हम निकालेंगे एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 16, 2 6 8, 2 3 4, 2 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4। देखो इधर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 16 की पावर है 3/4, तो यहाँ पर देखिए 2 टे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 की पावर आ गई हमारे पास 4 और इसकी पावर क्या है 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर आ गई 3, कितना आएगा सर 6 आएगा, 6 नहीं आएगा यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि देखो 2 को हमें 3 बार खोलना है। बहुत से बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आराम से करना है क्वेश्चन। 125 की पावर है यहाँ पर -1/3, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हमें जो पावर है, ठीक है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है इस पर, ठीक है। 125, तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, ठीक है, 5 5 ज़ा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 5 की पावर 3 और उसकी पावर -3, -1/3, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, और 5 की पावर -1। तो अगर किसी की पावर -1 है तो आप इसको आप ऐसे लिख दो 5 की 1/5, देखो जैसे अगर यहाँ पर होता 5 की पावर -2, तो मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, ये आपने क्लास 8 में आपने करा होगा। तो ये तो हमारा पूरा हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर दे रखी है 2/3, फिर 2 की पावर है 1/5, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर दो नंबर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, तो यानी कि हम 2 लिख देंगे, उनकी पावर हम क्या कर देंगे प्लस। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों जो हैं वो प्लस करना भूल गए हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम प्लस कैसे करेंगे, तो इसको करने के दो मतलब 3 तरीके हैं वैसे तो,
लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो सिंपल वाला है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना आ जाएगा 10। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना आ गया 3। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। ध्यान रहे कि ये जो तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ प्लस माइनस में यूज़ होता है, बच्चे इसको मल्टीप्लाई में भी डाल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये यूज़ नहीं होता। तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास 13/15। तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13/15। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड, सेकंड में है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको डरना नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। इसको हम देखो ऐसे करेंगे, देखिए 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 की पावर भी है 7 और ये जो हमारा 3 है, ठीक है, 3 की पावर 3 ये जो है, ठीक है, ये क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर आप देखो इसको ऐसे, आप इसको ऐसे कर लो सिंपल तरीके से, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे हमने भी करा था ना कि माइनस, ये मैंने 5 की पावर -1 थी तो मैंने लिख दिया था 1.5। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा करके, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, -21। तो इसके मैंने दोबारा से ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे लिख दिया, बस सिंपल है। तो डरना नहीं होता, इजीली हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड, ठीक है, 11 की पावर है हमारे पास 1/2 और यहाँ पे नीचे 11 की पावर है 1/4। अब देखिए यहाँ पे ये भाग हो रही है, तो मैंने कहा था जब भाग होती है तो नंबर हमारा वैसे ही रह जाता है, बस पावर क्या आते हैं, जो पावर है बस वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 1/2 - 1/4 8 हो गया, फिर 4 2 2/8 1/4 कितना आ गया, 1/4। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 देखते हैं। 7 की पावर 1/2 फिर मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। मैंने कहा था जब दो नंबर अलग अलग हों, उनकी पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, तो उनकी हम गुणा कर देंगे, नंबर्स की हम गुणा कर देंगे, बाकी ये सारी चीज़ें हमारी वैसी रहेंगी। तो कितना जाएगा, 56 और उसकी पावर 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हो गई है ख़त्म, एक्सरसाइज 1.6। और बस इसमें जो √9.3 और जो √5 वाला जो क्वेश्चन है बस वो रह गया है, बस वो हो जाएगा तो हमारी एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी।